हेलो दोस्तों, वेबटेक की प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएसएस की कुछ खास प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे हैंडल करेंगे सीएसएस के अंदर, बॉक्स मॉडल क्या होता है, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज जैसे बॉर्डर प्रॉपर्टीज, पैडिंग प्रॉपर्टीज, मार्जिन प्रॉपर्टीज, इन सबको कैसे हैंडल करेंगे आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको है। तो ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जो पूरे विड्थ को कंज्यूम करता है। पूरे विड्थ को कंज्यूम करने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपका एक ये पेज है ना, एचटीएमएल का ये पूरा का पूरा पेज है। आप जब भी लिखते हैं, जैसे आपने हेडिंग लिखा या पैराग्राफ लिखा या डिवीजन लिखा, जैसे आपने यहाँ पे कहा डिवीजन, और डिवीजन के अंदर मान लीजिए आपने लिखा धनंजय, ठीक है। तो ये जो डिवीजन आप लिखेंगे, ये पूरा जब आप यहाँ पर लिखेगा धनंजय, तो ये क्या करेगा, ये पूरे विड्थ को कवर करेगा। मतलब अब इसके सामने कोई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा डीएबी नैनी, ठीक है, या आपने लिखा प्रयागराज फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा ये, अब प्रयागराज यहाँ पे सामने नहीं आएगा, प्रयागराज यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा और इस पूरे विड्थ को कंज्यूम करेगा। तो इसको, ये जो पूरे ब्लॉक को कंज्यूम कर रहा है, इस ब्लॉक को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। तो यही काम पैराग्राफ भी करता है, यही काम हेडिंग भी करता है, ठीक है। अब इस ब्लॉक एलिमेंट का बिहेवियर मैंने आपको बताया कि ये इंटायर विड्थ को कंज्यूम करता है, ठीक है, और ये वर्टिकली स्टैक्ड होता है। वर्टिकली स्टैक्ड का क्या मतलब हुआ कि जैसे सबसे पहले ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, फिर अगर यहाँ कोई और देंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर कुछ देंगे तो यहाँ पे आएगा। वर्टिकली स्टैक्ड होता है आपका, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, पैडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं, बॉर्डर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। अब इसकी जो की प्रॉपर्टीज होती है वही है, विड है, हाइट है, मार्जिन है, पैडिंग है, डिस्प्ले है। तो आइए पहले इन चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखते हैं अपने सिस्टम पे, फिर समझते हैं चीज़ों को क्या है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे दो डिवीजन बनाया, आपने कहा डिवीजन केस के अंदर मान लीजिए आपने लिखा धनंजय, और मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया क्या, आपने यहाँ पर लिख दिया प्रयागराज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई इसकी प्रॉपर्टी लिखना चाहूँ डिव की, जैसे मैंने कहा डिव की प्रॉपर्टी को लिखते हैं, तो मैंने पहले कहा कि पहले इनका बैकग्राउंड करें जिससे ये दोनों अलग अलग नजर आए। तो मान लीजिए मैंने कहा येलो, तो देखिए येलो हो गए। अब मैंने कहा कि इनकी विड्थ कंट्रोल कर दिया जाए, तो विड्थ मान लीजिए आपने कहा कि 150 पिक्सल, यस, ठीक है। अब दोनों एक से नजर आ रहे हैं, दोनों का बॉर्डर कर देते हैं। तो बॉर्डर में क्या, मान लीजिए 2 पिक्सल हमने कहा सॉलिड, और बॉर्डर का कलर मान लीजिए मैंने कर दिया रेड, ठीक है। तो अब देखिए बॉर्डर इनका अलग अलग हो गया, ठीक। हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाइट में आपने कर दिया क्या 200 पिक्सल, तो आप देखिए हाइट इनकी ये हो गई, ठीक है। या आप थोड़ा कम करना चाहें, मान लीजिए हमने कहा 100 पिक्सल, तो हाइट ये हो गई हमारी, ठीक। अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे, जैसे आप ऐसा समझिए पैडिंग में कि आपने यहाँ पे क्या किया, पैडिंग को समझने के लिए यहाँ पे आए, तो आपने कहा पी इज इक्वल टू पैडिंग 35। तो इसका क्या मतलब है, जैसे इसका मतलब है कि ये जो एरिया है, ये आपके पास कोई कंपोनेंट है, इस ब्लॉक है, अब इस आप कह रहे हैं कि 35 पिक्सल चारों तरफ से इसमें गैप दे दो, ये गैप दे दो, ठीक है। तो ये जो पैडिंग है इसको बोलते हैं, ये हमने 35 पिक्सल इसके बाहर नहीं, हाँ ये समझने वाली बात है यहाँ पे, कि जैसे हमने यहाँ पे कोई चीज़, ये हमारा ब्लॉक है, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है डी आई बी है, तो अब कह रहे हैं कि 35 पिक्सल देना है, तो 35 पिक्सल का मतलब इधर इस वाले एरिया में 35 पिक्सल दे दो, इस वाले एरिया में 35 पिक्सल दे दो, इस वाले एरिया में 35 पिक्सल दे दो, मतलब हर एरिया में जो ये चारों तरफ की जो इंटरनल एरिया है ना, इसमें क्या कर दो, इसमें आपको 35 पिक्सल दे दो इसके बाद में। तो जैसे ही पैडिंग देंगे, तो पैडिंग का मतलब क्या होता है, पैडिंग में आपने कहा कि भाई पैडिंग, जैसे आपने कहा कि 20 पिक्सल, तो चारों तरफ से 20 पिक्सल, देखिए इसमें आपको जो इंटरनल विड्थ है वो बढ़ गई, ठीक है। तो इंटरनल विड्थ बढ़ गई, आप कहें नहीं नहीं मुझे चारों तरफ सेम नहीं देना है, अलग अलग देना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप चारों की वैल्यू अलग अलग दे सकते हो। कहें नहीं हमें चारों नहीं कोई एक देना है, तो कोई बात नहीं, आप पैडिंग टॉप है, पैडिंग लेफ्ट है, पैडिंग राइट है, पैडिंग बॉटम है, आप इसको अलग अलग कर दो, ठीक है। इसके साथ साथ एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्या इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन प्रॉपर्टी में क्या होता है, मार्जिन प्रॉपर्टी में ये होता है कि आप जैसे पैडिंग क्या कर रहा था, पैडिंग ये कर रहा था कि जैसे कोई कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, तो इस ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक के अंदर चीज़ों को, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है, तो इसके अंदर की चीज़ों को कर रहा था। मार्जिन क्या करेगा, इसके बाहर की चीज़ों को, मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर आप कोई मार्जिन देना चाहते हैं, जैसे आपने कहा 35 पिक्सल, तो ये चारों तरफ 35, मतलब इस पूरे एरिया में 35 पिक्सल हो जाएगी आपको। कहें नहीं हमें सिर्फ
तो हमें अलग अलग देना है तो ये अलग अलग दे दीजिए इस तरीके से। हमें नहीं सिर्फ लेफ्ट में देना है तो लेफ्ट में दे दीजिए, राइट में देना राइट में दीजिए, टॉप में देना टॉप में, बॉटम में देना बॉटम में दे दीजिए, ठीक है। तो जो भी आप देना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं इसमें देना चाहता हूँ, जैसे हाइट 100 पिक्सल मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको कर दे रहा हूँ 50, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा पैडिंग भाई 20 पिक्सल होगी, हमने कहा मार्जिन, तो मार्जिन मैंने कहा कि टॉप ऊपर से कितना कर दो 20 पिक्सल छोड़ दो, ठीक है, तो ऊपर से देखिए 20 पिक्सल छोड़ दिया। मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट से भी थोड़ा सा छोड़ दो, तो मार्जिन लेफ्ट हमने क्या कर दिया, हमने 10 पिक्सल लेफ्ट से भी छोड़ दिया, ये देखिए लेफ्ट से भी छोड़ दिया। अब ये तो हो गई आपकी मार्जिन और पैडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है जो जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या ये हमारी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है डिस्प्ले, यहाँ बॉर्डर तो हम लोग देखते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले में क्या है ब्लॉक। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये ब्लॉक होते हैं, जो भी आपने यूज किया यहाँ पर ये ब्लॉक है, ठीक है। अगर हम कह दें कि डिस्प्ले नन, तो डिस्प्ले नन का मतलब क्या है, डिस्प्ले नन का मतलब गायब हो जाएगा, गायब हो गया, ठीक है, दिखेगा ही नहीं भले रहेगा, ठीक है। हम कह सकते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो ब्लॉक होगा, ठीक है। एक होता है इसमें डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, तो भले ही ये ब्लॉक है लेकिन हमने कहा भाई इन लाइन आओ, इन लाइन का मतलब अब वो उसी ब्लॉक में, मतलब एक लाइन के बगल में दूसरी लाइन अगर जगह रही तो आ जाएगा, ये देख सकते हैं डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक हो गया आपको, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है आपको, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लोट प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी को आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लोट को समझाने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे एक चीज जो बताया बॉक्स मॉडल जो बताया था, तो बॉक्स मॉडल ये जो हम लोगों ने बनाया बेसिकली ये क्या है, ये हमारा बॉक्स मॉडल ही तो है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है, यहाँ पर हमने क्या क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे पैडिंग यूज किया है, हमने बॉर्डर यूज किया, हमने मार्जिन यूज किया है, कंटेंट यूज किया है, टेक्स्ट यूज किया है। तो ये जो बना है दिस इज बेसिकली बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल कुछ अलग से नहीं है, दिस इज द बॉक्स मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है क्या फ्लोट, फ्लोट क्या है, फ्लोट एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा पी, और हमने कहा दिस इज डेमो टेक्स्ट, ठीक है, दिस इज डेमो टेक्स्ट। तो हमें कुछ डेमो टेक्स्ट मतलब मुझे कुछ लिखना है लेकिन मेरे पास लिखने कुछ है नहीं, तो मैंने इसे लिख कर दिया। अब ये ढेर सारा है, मतलब बहुत ढेर सारा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने इतना कर दिया। अब मान लीजिए कि मैं कहीं बीच में एक इमेज लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो एक इमेज लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इमेज लगाने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ IMG SRC इज इक्वल टू, एक मेरे पास इमेज है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इमेज को मैंने लगा दिया, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पर मैंने और पहले लगाना है मुझे थोड़ा सा, कहीं पर मैं थोड़ा सा पहले लगाना चाह रहा हूँ, तो गए थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और थोड़ा सा आगे मैं लगा दे रहा हूँ इस जगह, ठीक, ये इमेज लगा दिया, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरे पेज में इमेज आ गई। ये मैंने कहा नहीं, इमेज थोड़ी छोटी आए, तो मैं जा करके यहाँ पे इमेज को यहाँ पर ये मेरा इस ये जो इमेज है ना, बेसिकली व्हाट इज दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो IMG टैग की प्रॉपर्टी को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ विद इसकी कितनी कर दो, मान लो मैंने कहा कि 200 पिक्सल कर दो भाई, ठीक है, विद के हिसाब से हाइट एडजस्ट हो गई। अगर आप हाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसको कर दीजिए 150 पिक्सल, आप इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से कंट्रोल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे जो इसको ऐसा करो कि फ्लोट कर दो राइट की साइड में चाहिए, तो ये देखिए फ्लोट प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो गई राइट की साइड में, ठीक है। तो जब आपने फ्लोट इस्तेमाल कर दिया, जैसे राइट इस्तेमाल कर दिया, आपने इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर दिया, आपने लेफ्ट में इस्तेमाल कर दिया, तो ये देखिए इस जहाँ पर आप चाहेंगे वहाँ पर इमेज आपकी जा करके सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसी तरीके से अगर पोजीशन को आप दे सकते हैं एब्सोल्यूट या रिलेटिव, बाय डिफॉल्ट रिलेटिव पोजीशन होती है, एब्सोल्यूट अगर आप कर देंगे तो फिर फ्लोट राइट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं CSS की, यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।